नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बोकारो जिले के जरडी प्रखंड में एक जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है और ये हमला दो युवकों द्वारा हुआ है। बोकारो जिले के जरडी प्रखंड के तांत्री उत्तरी पंचायत में एक जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित महानंद केवट व कैलाश सिंह बाल बाल बचे हैं। यह हमला दो युवकों द्वारा हुआ है। जब मुखिया और स्थानीय लोगों को इस हमले की जानकारी मिली तो पूरा ग्रामीण आक्रोश से भर गया और सब ने मिलकर अपने क्षेत्रीय थाना में इसकी शिकायत की, तो मौके पर प्रशासन पहुंची और प्रशासन पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद दोनों दोषियों को हिरासत में लेने की अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, एचबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बोकारो जिले के अंतर्गत आने वाले जरीडी प्रखंड के तांत्री उत्तरी पंचायत में हैं, जहां पर एक हाफ मर्डर का मामला निकलकर सामने आया है। और ये मामला क्या है, कैसे है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। जो पीड़ित है उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है और किस तरह से उन पर हमला हुआ है और जो हमला किया है वो कौन है और क्या वजह है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आइए हम पीड़ित से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। महानंद केवट जी। सर, आपके साथ जो घटना घटा सर, वो पूरी प्रक्रिया हमको बताइए सर, ताकि हमारे चल जाए। हम लोग घर से निकले, मतलब टुपकाड़ी जाने के लिए, चाय पीने के लिए। उसका बीच में धनंजय मंडल आया और लालू मिश्रा, और हम लोग को धनंजय मंडल बोले ले, चाचा मुखिया जी को हम लाल कार्ड बनाने के दिए हैं। तो बोला अच्छा चीज़ है, जान दिया है तो मुखिया जी बना देंगे, इतना ही हम बोले। तब तक लालू मिश्रा बगल में बोलते हैं कि आप देख लिए। बोले सर हम क्या देखेंगे, मुखिया जी देखे हैं, हम तो नहीं देखे हैं कुछ हैं, जो देखे हैं मुखिया जी देखे हैं। इतने ही लालू मिश्रा तन के उतर गया गाड़ी से, हम कुछ नहीं बोले। तब तक बबलू सिंह वहाँ पर थे तो लोग मजाक करने लगे। उसके बाद हम गाड़ी को भाड़ा करके हम लोग चले गए टुपकाड़ी, और टुपकाड़ी से जब चाय पी कर लौट रहे थे तब तक देखे लालू मिश्रा का और धनंजय मंडल गाड़ी चला रहा था और बीच में अटैक कर लिया नहर किनारे खोल के बगल में, जो जहाँ पानी निकलता निकासी था वहाँ पर। जब देखे ये सलाई लोग तो वार करना शुरू कर दिया हम पर, तो जान बचा के गाड़ी को किसी तरह घुमाने का प्रयास किया तो गाढ़ा में घुस गया खेत में, और उसी तरीके से खेत पथार में जान बचाते हुए अशोक महतो घर के पीछे हम नुका गए और रड़ चढ़ाने लगा, अंधाधुन रड़, मेरा गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जान प्राण लेके हम भागे। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम लोग गाँव में खड़ा है और यहाँ पर जन आक्रोश बहुत ही ज्यादा है और ग्रामीणों का मांग है कि जो आरोपी धनंजय मंडल है और जो लड़का लालू मिश्रा है, ये दोनों आरोपी हैं और इन्हीं दोनों बच्चों ने, दोनों लड़कों ने जो सो आक्रमण किया है कैलाश सिंह के ऊपर और महानंद केवट के ऊपर, और इसकी मांग प्रशासन से की जा रही है कि वो अभी के अभी उस लड़के को गिरफ्तार करें और किसी न किसी तरह का निर्णय लिया जाए अभी का अभी। लेकिन अभी प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि लड़का घर से बाहर निकल चुका है, वो भाग चुका है, लेकिन प्रशासन ये आश्वासन भी दे रही है कि लड़के को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और उसको जो उचित सजा है उसको सजा दी जाएगी। तो पूरी जानकारी हम लोग अभी और कवरेज करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या क्या मामला अब निकल कर सामने आती है और पूरे खबर को आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, पूरी खबर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर, जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, पूरे गांव में आक्रोश भरा हुआ है और आरोप लगा हुआ है कि धनंजय मंडल और लालू मिश्रा जो है सो किसी पर आक्रमण किया है जो कि हाफ मर्डर में आता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को सर आप किस तरह देख रहे हैं और क्या निवारण कर रहे हैं सर आप? लालू मिश्रा और धनंजय मंडल के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, इसकी सूचना मिली थी, उसी के प्लस में हम लोग आए हुए हैं। धनंजय मंडल फिलहाल घर से फरार है, बहुत जल्द इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, जैसा कि अभी आपको प्रशासन द्वारा एक जवाब मिला है कि बहुत ही जल्द उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, जो दोषी है, जो आरोपी है, उसको बहुत ही जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और न्याय दिया जाएगा, तो इसकी पूरी जानकारी हम जानेंगे कि प्रशासन आने वाले समय में क्या कार्य करती है और अपने वादे पे कायम रहती है कि नहीं, और ग्रामीणों को और जिनके ऊपर आक्रमण हुआ, जो जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, जिसके ऊपर हाफ मर्डर किया गया है, उसको न्याय मिलता है कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे और हमारे साथ बने रहिए। क्या सच है, क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।